करने से पहले क्या इस देश के अलग अलग संप्रदायों के लिए, समाजों के लिए बात कर रहे हैं, या इस देश के लिए कैसे बात शुरू हो इस देश में, हम वो कर रहे हैं। पर इन सबके पहले मैं आदरणीय अरविंद तिवारी जी अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि वे हार्दिक भाई का स्वागत करें और स्वागत की घोषणा करें। साथियों, प्रेस से मिले कार्यक्रम में आज किसान क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गुजरात नवनिर्माण पटेल नवनिर्माण सेना के संयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री हार्दिक पटेल हमारे बीच हैं। मैं इंदौर प्रेस क्लब की ओर से हार्दिक जी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच आदरणीय अखिलेश कटियार जी, जो जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं, वो भी मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जैसा कल हार्दिक जी ने कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए मैदान में हूं, तो मुद्दा भी यही है। कल जिस बेबाकी से आपने अपनी बात कही, वैसा साहस बहुत कम, अब आपको नेता तो नहीं गए, सामाजिक कार्यकर्ता दिखा पाते हैं। मध्य प्रदेश में आपके दौरे सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। जिस तरह से आप मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, हमें लगता है कि जो भूमिका आपने गुजरात के चुनाव में निभाई थी, वही भूमिका आप मध्य प्रदेश के चुनाव में भी निभाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश के युवाओं की निगाहें आप पर है, और जैसा कल आपने कहा कि हम किसी से क्यों अपेक्षा करें, हम खुद आगे आए और अपना रास्ता तय करें। हार्दिक जी, बहुत से मुद्दे हैं। नवंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है, किसान आंदोलन के बाद के जो मध्य प्रदेश के हालात है वो किसी से छिपे नहीं है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इन सब मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारी परंपरा के मुताबिक पहले आप अपनी बात कहेंगे, उसके बाद सवाल जवाब का एक सत्र होगा। धन्यवाद। पुनः आपका इंदौर प्रेस क्लब में स्वागत। इंदौर प्रेस क्लब के अंदर पधारे मेरे सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पिछले चार दिन से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं और किसानों की बात लेकर अलग अलग जिले और अलग अलग तहसील में काम कर रहे हैं। कहीं किसानों के मुद्दे की अलग अलग बात है, कहीं युद्ध का मुद्दा है। पहले हम जबलपुर गए, उसके बाद सतना गए और आज इंदौर आए। कल हम इंदौर के बहुत सारे बुद्धिजीवी और पत्रकार मित्रों से भी मिले थे। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि चुनाव का वक्त होता है तब हार्दिक पटेल अपने राजनीति की रोटियां सीखने के लिए का किसानों की बात उठाता है, का युद्ध की बात उठाता है, का आरक्षण की बात करता है। इसमें हम क्या कर सके कि हमारे देश की परंपरा ही ऐसी है कि हर महीने चुनाव आते हैं। हमें तो हमारा काम करना है, चाहे वो युद्ध का हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे लोगों के मुद्दे उठाने की बात हो। मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमने किसानों का हाल देखा है, जिस प्रकार से युवाओं की बेरोजगारी का मामला देखा है, जैसे यहाँ का किसान मंडियों को लेकर, अपनी फसल के दाम को लेकर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नाम पर उस पर हो रहे गलत मुकदमे को लेकर, मालवा निमाड़ के किसानों पर अफीम खेती के नाम पर हो रहे गलत मुकदमे को लेकर, और पानी की समस्या को लेकर, नर्मदा में अवैध रीति खनन को लेकर, इस सारी स्थिति को जब समझते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों को हमें बदलाव की जरूरत है। हम इसका विरोध कर सकते हैं कि चलो यार ये गलत कर रहे हैं लोग, सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, लेकिन इसे विरोध करने से इसका हल नहीं निकलेगा। और इसीलिए हम लोग गांव गांव, तहसील तहसील जाकर लोगों की हर समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। सर भाई साहब, आप प्लीज बाहर चले जाए, हमारी परंपरा है, बाहर चले प्लीज। और इस सारी स्थिति को समझकर हम लोग वो लिख कर, उसका अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो उसका सॉल्यूशन लेकर
हमने जो गुजरात में किया था आरक्षण को लेकर, उसका सॉल्यूशन हमने सरकार को भी दिया, विपक्ष को भी दिया, और यहाँ भी वही हम करना चाहते हैं कि किसान और यूथ की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है वो हम सरकार और विपक्ष को देना चाहते हैं। पिछले 4-5 महीनों से, जब से मंसर गोलीकांड हुआ है उसके बाद, भावांतर योजना लागू करने के बाद, जिस जिस मंडियों के अंदर 10 से 12 करोड़ रुपए के साइलेंट करप्शन किसानों के नाम पर हो रहे, मैं परसों पथरिया तहसील में था तो रात को 11 बजे हम एक किसान के गांव में संवाद कार्यक्रम में गए, तो बहुत सारे किसान इमरजेंसी में वो कार्यक्रम में आए, तो हमने पूछा कि भाई इतने दौड़धाम करके क्यों आते, तो बोले कि हम चना तुलाने के लिए गए थे, हम पिछले 3 दिन से वहां पर खड़े, हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर उसके ट्रैक्टर ट्रॉली के भाड़े चल रहे, किराए पर लाए हैं, और अभी तक हमारे चने तुले नहीं गए। तो ऐसी स्थितियों को कहीं ना कहीं बदलाव के साथ हमें किसानों की बात यहाँ की सरकार के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग हमें यही कहते हैं कि भाई तुम हो गुजरात के, मध्य प्रदेश की कहाँ बात करते हो, चुनाव के वक्त तुम मध्य प्रदेश में आए हो, तो मैं गुजरात का हूँ उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भारत का नहीं हूँ। अगर मध्य प्रदेश के यहाँ के लोगों को या यहाँ के लोग हमसे अगर कुछ अपेक्षाएं रखकर बैठे तो मुझे उनकी बात रखने का पूरा अधिकार है। परसों में मैयर था सतना जिले में, तो मैयर के अंदर बहुत सारे युवाओं से हम मिले, कम से कम 300-400 युवा आए थे, बहुत सारे उनके ज्ञापन लेकर। तो हमने कहा कि आप सब लोग रोजगार के तहत काम कर रहे हो या नहीं, तो इन्होंने कहा मैयर के अंदर हमारे 4 बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां, लेकिन एक भी व्यक्ति मैयर का उसके अंदर जॉब नहीं कर रहा, उसके अंदर रोजगार में नहीं है, सब लोगों को बाहर से रोजगार के लिए लाया जाता है। क्यों ना हमने जो गुजरात में बात रखी थी कि गुजरात की जो कंपनियां हैं जो बाहर से आई है, उस कंपनी के अंदर 80% तो खुद के प्रदेश के लोगों को रोजगार देना चाहिए, जो यहीं पर भी वही बात है। किसानों की बात सिर्फ कर्जा माफी का हल नहीं है कि सिर्फ कर्जा माफी कर दिया किसान खुश हो जाएगा, किसान को सही ऑर्गेनिक बियारण जो बीज होते वो मिलने चाहिए, किसानों को सही पानी मिलना चाहिए, बिजली 24 घंटे यहाँ की शिवराज सरकार नहीं देगी तो चलेगा, लेकिन वो बिजली अगर दिन में 8 घंटे भी दे तो किसान बड़ी ईमानदारी से खेत कर सकता है, फसल उगा सकता है। मालवा निवाड़ के अंदर लूसन जब निकलते हैं तो उसके बाद उसके सही दाम भावांतर योजना में तय किए गए थे, और उसमें सरकार ने तय किए गए दाम पर वो लूसन खरीदने की बात भी हुई थी, लेकिन आज भी मालवा निवाड़ का एक भी किसान तो लहसुन का सही दाम मिला हो ऐसा हमने कभी भी किसी ने नहीं बोला। और जब हम यहाँ बात रखते हैं, लोगों की बात रखते, खुद की बात तो है नहीं, फिर भी यहाँ की सरकार हमें कहती है कि तुम राजनीति करते हो। अभी जबलपुर के अंदर हम गए तो हम पर अंडे फेंकवाए, पत्थर फेंके गए, और उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन उन लोगों का सहयोग कर रही है। विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन ऐसे भी विरोध ना करो जैसे कानून व्यवस्था पर फर्क पड़े। हम भी यहाँ पर विरोध की राजनीति में नहीं आए, ऐसे व्यवस्था बदलाव और सॉल्यूशन की राजनीति भी करते हैं। हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, संघर्षों के सामने राजनीति करना चाहते हैं। और इसी के साथ अगले महीने ये बारिश का थोड़ा मौसम निकलेगा, उसके बाद हमारी अमरकंटक जहाँ से नर्मदा मैया निकली है वहाँ से लेकर पूरे बुंदेलखंड में और महाकौशल में हम 17 दिन जनजागृति यात्रा निकालने वाले हैं। हम किसी को ये नहीं कहने वाले कि तुम सत्ता के खिलाफ हो जाओ और विपक्ष के समर्थन में हो जाओ। हम इतना जरूर कहेंगे अगर तुम जागरूक हो गए उस दिन तुम्हें जागरूकता ही वाला एक अच्छा नेता मिल जाएगा। और इसी के साथ 17 दिन की हमारी पहली अमरकंटक से पूरी यात्रा निकलेगी, और वो 17 दिन की यात्रा के बाद 14 दिन की हमारी यात्रा मालवा निवाड़ में निकलेगी। और इन दोनों यात्रा का मकसद सिर्फ जनजागृति यात्रा है, लोगों को जागरूक करने का एक पहल करने की शुरुआत करते हैं। उसके बाद चुनाव यहाँ होने हैं नहीं होने वो मेरा प्रश्न है ही नहीं, यहाँ चुनाव कौन लड़ेगा किसके सामने लड़ेगा वो भी मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन चुनाव के पहले पहले कम से कम हम 50 सभाएं पूरे प्रदेश में करने वाले हैं, और 4 बड़ी सभा जो एक इंदौर में होनी है, एक भोपाल में, एक धार में और एक बुंदेलखंड के सागर में होगी, और ये 4 सभाओं में 1,00,000 से भी ज़्यादा किसानों और युवाओं को हम इकट्ठा करेंगे। हम युवाओं और किसानों को सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जो वादे आपने आपकी सरकार ने आपके सामने रखे बस इस वादे के साथ आप उसके सामने खड़े रहिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल की गवर्नमेंट अगर आपके लिए अगर कुछ नहीं करना चाहती
तो आपके पास भी विकल्प के तौर पर कुछ तैयार रखें, और इसी सारे मुद्दे के साथ हम पूरे प्रदेश में दौड़ेंगे, घूमेंगे। मुझे विश्वास है कि यहाँ की सरकार भी मुझे बहुत बार परेशान भी करेगी, हैरान भी करेंगी, गलत मुकदमे से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर हर तरह के साथ प्रयास करेगी, लेकिन मुझे मेरा काम करना। और ऐसे भी मैं तो पहले कई बार बोला हूँ कि हम जहाँ से लड़के आए वहाँ से तो बड़े लोग थे, बड़े गुंडे थे, जिसके पास बड़ी ताकतें थी, उससे बुरे तो मामा शिवराज है नहीं, तो उसके सामने भी हम लड़ने का प्रयास यहाँ पर रखेंगे। और मैं अगले 10 या 12 दिन में सीएमओ हाउस में मेरा पत्र भी देने वाला हूँ, जो परेशानी यहाँ के लोगों को उसके सॉल्यूशन के साथ। अब देखना है कि यहाँ की सरकार उस पर क्या फैसला कर सकती है, क्या काम कर सकती है। 1 से 10 जून यानी कि आज लास्ट डेट है, तो किसानों का गांव बंद आंदोलन भी चल रहा है, आज लास्ट डेट है। अभी तक किसानों ने एक भी प्रकार का कार्य ऐसा नहीं किया जो कानून व्यवस्था के खिलाफ हो, पूरी तरह से शांति और गांधी के मार्ग पर उन्होंने आंदोलन किया है। मेरी शिवराज सरकार से भी विनती है कि किसानों की जो परेशानी है उसमें सबसे बड़ी अगर कोई परेशानी हो तो ये है कि उनको फसल के सही दाम मिलने चाहिए। गवर्नमेंट की ओर से प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के तहत भी किसानों को फायदा मिलना चाहिए। बस अगर किसानों की ये सारी चीज और सारा काम अगर खत्म हो जाएगा तो किसान भी आंदोलन नहीं करेगा। 1 से 10 जून के आंदोलन के बाद भी शिवराज सिंह की सरकार कहती है कि किसानों का आंदोलन पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, तो शिवराज सिंह सरकार भी शायद मुझे लगता है ये चाहती है कि प्रदेश के अंदर हिंसा हो। अगर किसान पूरी शांत तौर पर अपना विरोध करते उसमें भी शिवराज मामा को फ्लॉप लगता है तो क्या किसान हिंसा पर उतर आए? अगर किसान हिंसा पर उतर आते तो उस पर गलत मुकदमे लगाए जाते हैं। आज का यूथ चाहता है कि उसको अच्छी शिक्षा के साथ साथ रोजगार मिले, तो मेरा दो ही मुद्दे के साथ मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूमने वाला हूँ। कम से कम 100 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में घूमूंगा। अगर सरकार को ये लगता है कि ये कांग्रेस ही है तो मैं चाहता हूँ कि सरकार आप इन लोगों के लिए कुछ करें तो शायद आपको लगे कि मैं आपके समर्थन में खड़ा रहूँ। अगर आप जनता के और युवाओं और किसानों के लिए कुछ नहीं करना चाहते और मैं आपके विरोध में हूँ तो आप यही समझे कि मैं विपक्ष का साथी हूँ, क्योंकि मैं सरकार के समांतर तो नहीं खड़ा रह सकता, क्योंकि जनता हूँ और सरकार के समांतर खड़ा रहना जनता का अधिकार नहीं है। जनता जब वोट देती है तो जनता का काम है कि उसके खिलाफ उसको खड़ा रहना, और वही काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि मध्य प्रदेश के लोग मुझे बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। मुझे जेल में जाने से कोई डर नहीं है, लेकिन 24 साल के लड़के पर जिस तरह से लोगों ने इतनी अपेक्षाएं रखी, बस उस अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने का मैं काम कर रहा हूँ। और इसी के साथ मैं अपना काम करने का प्रयास करूँगा और मध्य प्रदेश के अंदर इतना घूमूंगा कि 10 साल के बाद आऊंगा तो मैं भी कहूंगा मध्य प्रदेश से मेरा पुराना रिश्ता है। धन्यवाद। गुजरात के अंदर 40 सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी, और अगर मान लो कि हमारी मूवमेंट नहीं होती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो भाजपा का लक्ष्य था 150 का वो पार भी कर लेती। हम ज्यादातर हम जिस समाज से आते हैं वो ज्यादातर जिस मूवमेंट थी वो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा थी, और आपको बताया कि ग्रामीण इलाकों की 102 सीटों में से 74 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है, और मतलब वो 40 सीट से 82 तक पहुंची। हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारे ईमान के सामने बेमानी चल गई है इन लोगों की, लेकिन इतना भी कह सकते कि अगर हमने एक बड़ा अच्छा मजबूत विपक्ष डाला है, जो स्वतंत्र भारत का एक रूल है कि सत्ता भी होती है और विपक्ष भी होता है, और मजबूत विपक्ष होना चाहिए। बात रही जिस तरह से आपने कहा है कि पाटीदारों से लेकर किसान तक, मुझे कभी कभी ये सवाल किसी ने नहीं किया कि आप पटेल होकर किसान कौम होकर आज आरक्षण क्यों मांग रहे हैं? जो किसान की परेशानी है उस किसान की परेशानियों की वजह से आज हमें आरक्षण मांगना पड़ता है। पाटीदार भी सबसे ज्यादा किसान से कौम से जुड़े हुए हैं, और जब भी कोई मूवमेंट होता है, चाहे वो पाटीदार समाज से शुरू हुआ और किसान तक हुआ, कोई व्यक्ति अगर विधानसभा का विधायक बनता है तो वो भी चाहता है कि मैं भी संसद सभ्य बनूं। तो हम भी चाहते हैं कि हमने जिस मूवमेंट के साथ हमारी लड़ाई शुरू की है उस मूवमेंट को कहीं ना कहीं आगे ले जाना है, उसके तहत हम लोगों को काम करना चाहते हैं। और मेरी मनसा साफ है, बिल्कुल साफ, कि मुझे जनता को क्या चाहिए वो देने के लिए पर्याप्त हर एक चीज मेरे पास होनी चाहिए। अगर सिर्फ मेरे पास ही है, मतलब मेरे पास था कि मुझे पाटीदारों के लिए काम करना है,
तो नहीं, सब लोग कहते कि सिर्फ पाटीदारों के लिए क्यों काम कर रहे हो, किसानों के लिए भी काम करो, युद्ध के लिए भी काम करो। और जो लोग कहते हैं उस हिसाब से मैं चलता हूँ, और इसी हिसाब से मैं चलना चाहता हूँ। मैं खुद के हिसाब से नहीं चलना चाहता, लोग क्या चाहते हैं अगर उस हिसाब से मैं चला तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा होगा। बदलाव की राजनीति को लेकर भी कई नेता आ गए और बदलाव की राजनीति ना तो बदल पाए, खुद वो जरूर बदल गए हैं। तो ये कैसे होगा कि आपका लक्ष्य कि इतना समय हार्दिक पटेल काम करेंगे, अगर इसमें नहीं बदल पाए तो हार्दिक पटेल फिर अपने काम से काम रखेंगे, क्योंकि कोशिश आप कर रहे हैं युवाओं और किसानों को लेकर। दूसरा, आपने कहा कि सोल्यूशन की हम बात करते हैं, सरकार एक सोल्यूशन लेना चाहती है, कॉमन सिविल कोड लागू करना चाहती है, हो सकता है मानसून सत्र में वो आने वाला हो बिल। पहले तो सर आपने जो व्यवस्था की बात की, तो पहले तो हम कौन सी व्यवस्था बदलाव करना चाहते हैं वो बड़ा प्रश्न है। हमारी व्यवस्था तो सिर्फ दो ही है। पहली व्यवस्था है फ्री शिक्षा, और शिक्षा खत्म होने के बाद उसको तुरंत गवर्नमेंट या प्राइवेट रोजगार, ये पहली हमारी व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था, किसान अपनी फसल के दाम खुद तय करे, और किसानों की फसल जो जो पौधे के मतलब जो किसानी से खेत जैसे जो निकलेगी उस खेत के अंदर वो जो खुद चाहेगा वही होगा। ये दो व्यवस्था ही हम बदलाव चाहते हैं, और कोई व्यवस्था का बदलाव नहीं चाहते। और क्यों ये दो व्यवस्था? अब आप कहोगे भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, देश से जातिवाद खत्म होना चाहिए, आतंकवाद, ये सारी व्यवस्था का बदलाव सरकार को करना है सर। अगर हम कोई अच्छे व्यक्ति को मुफ्त शिक्षा देंगे और वो मुफ्त शिक्षा के आधार पर अगर वो गवर्नमेंट जॉब करेगा प्राइवेट जॉब करेगा तो वो गवर्नमेंट का ऋणी रहेगा कि गवर्नमेंट ने मुझे फ्री में पढ़ाई दी है, मुझे मुफ्त में शिक्षा दी और तब जाके मैं आज गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करो, तो वो भ्रष्टाचार करने के लिए तैयार नहीं होगा। दूसरी बात, आज किसान रोड पर आंदोलन करता है, किसानों की बात हर कोई करता है, कोई कहता है कि मैं पिछड़ों का नेता हूं, कोई कहता है मैं किसानों का नेता हूं। सर मुझे एक चीज तो बताइए, जो आजादी के बाद जो विधायक की पगार 40 रुपये थी, जो संसद सभ्य की पगार 300 रुपये थी या 400 रुपये थी, आज सर हाल क्या होगा? 30 रुपये की पगार वाला 3 लाख तक पहुंचा है, 400 रुपये की पगार वाला 40 लाख तक पहुंच गया। यही प्रश्न तो हमें बदलना है ना सर। प्रश्न संभाव से या सद्भाव से या चर्चाओं से नहीं होता, उसके लिए अमल लाना होगा। व्यवस्था का मतलब सिर्फ हमारे लिए यही है, और इसी व्यवस्था के तहत हम लोग चलना चाहते हैं सर। हमारे देश के अंदर मोबाइल के बिना जिंदगी जी सकते हैं, ये टेलीफोन के बिना जिंदगी चल जाएगी, एसी के बिना जिंदगी चल जाएगी, अगर यहाँ एसी नहीं लगा तो भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन बिना खाए हम जिंदगी जी ही नहीं सकते। अगर पेट में खाना नहीं आया तो मर जाएंगे 2 दिन या 3 दिन के बाद। फिर भी आज मोबाइल एसी का मालिक करोड़पति हो गया, जो देश को खिला रहा है वो गरीब है। बस इसको हमें बदलना। और आपने कहा कॉमन सिविल कोड की बात, सर ये देश तो जातियों से बना है, अगर हम यही कहेंगे कि नहीं जाति मिट जानी चाहिए तो ये असंभव चीज है, क्योंकि जितने एमएलए या संसद सभ्य बैठे हैं वो सब जो जीते हैं ना सब जातिवाद की वजह से ही जीते हैं। और आप बोल रहे हैं मानसून में सिविल कोड लागू, वो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुद की राजनीति ऐसे खत्म हो जाएगी वो लोगों की। और जातियों से बना मेरा देश है, इसीलिए हम लोगों को जातियों को भी प्रदान करना चाहिए, लेकिन समाज प्रेम, मानवता प्रेम और राष्ट्र प्रेम, इस चीजों के साथ अगर हम चलेंगे तो राष्ट्र अच्छा और मजबूत हो सकता है, और तब जाके हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। किसान और युद्ध के बीच और सरकार के बीच बड़ी गैप रख दी है इन लोगों ने। आज किसान अगर ऑफिस में जाना चाहता है, कोई मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या पटवारी या कलेक्टर, सर वो जा नहीं सकता बेचारा, उसको रोका जाता है, भाई क्या है किसान हो नहीं जाने दिया। नासिक से लेकर बंबई तक 200 किलोमीटर पैदल चलकर आए, सीएम ने सिर्फ आश्वासन देकर भगा दिया। सतना सागर से लेकर भोपाल तक 300 किसान चलकर आए, चीफ मिनिस्टर मिले नहीं उनको। तो ये कितनी बड़ी गैप है, बस इस गैप को बदलना है। और आपने कहा व्यवस्था के नाम पर सत्ता हासिल करना है कितने समय में, मैंने अभी भी सर को मैंने जवाब दिया कि मुझे पहले तो काम करना है, अगर मेरे पास व्यवस्था बदलाव का कोई सॉल्यूशन आता है तब जाके मुझे राजनीति में जाना है। बिना सॉल्यूशन और बिना कुछ खुद के फायदे के लिए राजनीति करना, तो इन लोगों से और मुझ में फर्क क्या है? बस इसी के लिए तो बदलाव की राजनीति लिया है। जी,
हार्दिक जी को लेकर कुछ बातें बोली थी, उसमें से कुछ बातें बताना चाहूंगा। आपने कहा था कि कपिल देव के जाने के बाद उस वर्ग या उस पीढ़ी के लोगों में दुख हुआ था, सचिन के जाने के बाद आपको दुख हुआ था, आपने कहा उसके बाद शिखर धवन विराट कोहली आए, उसके बाद आपने कहा लोग नरगिस को देखते थे, उसके बाद श्रीदेवी को देखते थे, अब सनी लियोनी को देखते हैं, क्या उचित है कि इतने महान कलाकार और इतने महान लोगों के साथ सनी लियोनी को कंपेयर करना उचित था? पहली चीज। दूसरा सवाल, अगर सनी लियोनी की तरफ युवा डाइवर्ट हो रहा है, इस पीढ़ी का युवा उस कैरेक्टर की तरफ डाइवर्ट हो रहा, आपके पास क्या ब्लू प्रिंट है कि आप युवाओं को एक सही रास्ते पर ला सके? आज क्या उस हीरोइन को पिक्चर ही नहीं मिल रही? आज वो भी हीरोइन चाहती है कि मैं भी कुछ अच्छे इंडस्ट्रीज में काम कर रही हूँ जहाँ मुझे भी सम्मान मिले। और अगर हमारी सोच ही ऐसी है कि हम अभी भी उसको उसी तरह से देखना चाहते हैं, तो ये देश कभी नहीं बदल सकता, अभी से लिख कर दे दो। हम सनी लियोन को ऐसी नजर से देखे ही क्यों? कैसे हमने जैसे नरगिस को देखा है, जैसे श्रीदेवी को देखा है, जैसे माधुरी दीक्षित को देखा है, ऐसे ही हम सनी लियोन को देखे तो उसमें दिक्कत क्या है? बस मेरे प्रश्न का जवाब इतना ही है, अगर हम सही से अगर किसी को देखेंगे, अगर हमारी सोच सही होगी तो सामने वाला सही है। नहीं समझा नहीं सर। मतलब ये कि आपके साथ जो भीड़ चल रही है उसमें ज्यादातर ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जो टिकट के दावेदार भी हैं लेकिन उनको कोई जुगाड़ नहीं मिल रही है, तो वो जुगाड़ आप होंगे। देखो दूसरा ये कि आपने कल कहा था कि नेताओं को टीम टॉप रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, तो सबसे बढ़िया तो नरेंद्र मोदी है। दूसरा तीसरा ये कि गुजरात में जो आपकी दो फिल्म बनी थी वो हकीकत क्या? मैंने कल इस सारे चीज़ों पर बड़े गौर से खुले से बात की थी, पर अभी भी खुले से बात करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं कि मैं जो हूं वही लोगों को दिखाना चाहता हूं, गोल गोल बात मैं नहीं करूंगा। पहले की जो भीड़ चल रही है, तो मुझे एक व्यक्ति ऐसा बताओ जहां जहां अभी तक हमने ऐसी सभाएं की कि जहां हमने लोगों को कहा हो कि भाई ये यहां गाड़ी रखो और गाड़ी में बैठ कर आओ। सर बड़े ताज्जुब की बात है, सतना के अंदर 50,000 की भीड़, और कैसे? कोई बाइक लेकर, कोई ट्रेनों से, कोई खुद की प्राइवेट गाड़ियों के साथ। हमने तो अरे सर, अगर विधायक की लड़ने की तैयारी में अगर कोई पब्लिक लाता है तो राहुल गांधी की सभा 10 लाख तक पहुंच गई होती। हर एक विधानसभा में 15-15, 20-20 लोग टिकट मांगते हैं और हर एक के साथ 500 लोग तो होते ही है, तो हर एक विधानसभा से 10,000 लोग निकलेंगे। यहाँ पर तहसील कितनी है? 10 लाख लोग होते। हम कौन है? हम किसको टिकट दिला सकते? हम तो कोई नहीं कर सकते। और बात रही टिप टॉप रहना चाहिए, सर टिप टॉप रहना चाहिए लेकिन लोगों के पैसों से नहीं, खुद की मेहनत से, खुद के पैसों से टिप टॉप रहना चाहिए। और सर टिप टॉप का मतलब ये नहीं होता कि 10 लाख की पूरी जोड़ी तैयार करे, टिप टॉप का मतलब होता है एक अच्छा शर्ट पहने, एक अच्छा पैंट पहने, और शर्ट ऐसा पहने कि यहाँ से निकल न जाए, ऊपर तक रहे, ऐसा शर्ट पहनना चाहिए। ये क्लियर बात है। और बात रही हमारी ब्लू फिल्म की, तो सर ये तो मुझे बताओ कि देश में से 1 लाख लोगों में से कितने लोगों के टेस्ट ट्यूब बेबी से जन्म होते हैं, और किसी की प्राइवेट जिंदगी में झांकने का अधिकार किसको है? अरे सर दूसरों की प्राइवेट जिंदगी में मत झांको, खुद के बेड में झांका होता तो आपके घर में बड़ा विकास हुआ होता, समझो मेरी। और दूसरी बड़ी बात है सर कि आज अगर कोई आईपीएस या कोई आईएएस सिंघम की तरह सरकार के सामने लड़ा हो और उसकी शादी हो जाए और बेचारा वो हनीमून के लिए बैंकॉक चला जाए, तो क्या सरकार उसके हनीमून के बेड के अंदर वो कैमरा फिट करवाएगा? ये नहीं हो सकता सर। जब ताज होटल के अंदर बड़े पैमाने पर मीडिया ने चलाया था कि हार्दिक राहुल गांधी से मिला, हार्दिक राहुल गांधी, सर आप तो ये तो समझिए कि राहुल गांधी की दादी और पापा की हत्या सुरक्षा में खामी की वजह चूक रहने से हुई है। राहुल गांधी के पास एसपीजी सिक्योरिटी है और जिस होटल में वो जाता है उस होटल के कैमरे लीक कैसे हो सकते हैं? यही समझने की बात है। मैं उससे मिला ना मिला वो प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न ये है कि जहां राहुल गांधी गया वहां एसपीजी सिक्योरिटी, देश की प्रथम सिक्योरिटी ऐसी है जो किसी को प्रोटेक्ट करती है, और उसी होटल के कैमरे लीक कैसे हो गए? कल जाकर राहुल गांधी किसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते क्या उसके भी कैमरे लीक कर दोगे? ये स्थिति नहीं होनी चाहिए सर। प्रश्न ये है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांकने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मुझे भी नरेंद्र मोदी के जीवन में प्राइवेट झांकने का अधिकार नहीं है सर।
हाँ, अगर कोई कहता कि ये जाहिर जीवन है सर, आप जाहिर, अरे भाई जाहिर जीवन है तो क्या हुआ, मुझे कितने बच्चे पैदा करने हैं, मैं कहाँ हनीमून करने जा रहा हूँ, वो मुझे तुम सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है जाहिर जीवन में लोगों की सेवा करना। अगर उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं गलत तरीके से निकल रहा हूँ तो आप मुझे टोकिए, उसकी सीढ़ी बनाइए। और सर हमारे देश में ब्लू प्रिंट बननी चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। किसी 24 साल के बच्चे की ब्लू फिल्म बनाने से क्या फायदा है इन लोगों को? 24 साल के बच्चे की सर ब्लू फिल्म बना रहे हो आप, और इसमें दिखने भी क्या लायक है? और मैं तो कई बार कहता हूँ 24 साल की उम्र में इतना सारा कुछ सहन कर लिया है अपने, अब 50 साल की उम्र तो कोई चिंता ही नहीं, बहुत सारे ब्लू फिल्म लाओ कोई चिंता नहीं है। जोशी जी आपने भी बात, माइक नीले जी सर, अभी आपने बोला कि मैं मध्य प्रदेश में इतनी सभाएं लूंगा, इतना जन जागरूक रैली निकालूंगा, किसानों की दुर्दशा पे आप भी आपसे बाहर रहे, तो क्यों नहीं आप अपनी अपनी पार्टी बना के किसानों के हित में काम करें, चुनाव लड़े? अरे आप मत लड़ो चुनाव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चुनाव लड़ो, एक पार्टी बनाओ जैसे अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई। दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि तीन दिग्गज इंदौर में थे, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा और हार्दिक, क्या इन दोनों से आपकी मुलाकात हुई, कोई राजनीति विषय पर चर्चा हुई है क्या? पहला तो सर आपने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी बनानी चाहिए, हम इसी से तो पीछे हट रहे हैं। हर कोई नेता बन जाता हर पार्टी और चुनाव लड़के उसी की तरह वहां जाकर बैठ जाता। अगर आप पंजाबी ढाबे में खाना खाना जाओगे तो आपको वहां पंजाबी ही मिलेगा, वहां जाकर आप कहोगे मुझे गुजराती खाना है या साउथ इंडियन खाना है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर वो पंजाबी ढाबे वाला इतना सक्षम होकर अगर उसको गुजराती और साउथ इंडियन खिलाता है तो मैं मानता हूँ वो पंजाबी ढाबे वाला बड़ा बेहतरीन होटल वाला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जनता को क्या चाहिए वो मुझे देना है, मुझे क्या चाहिए वो मैं जनता को देना नहीं चाहता। अगर मेरे पास कुछ सॉल्यूशन हो गए जनता के प्रश्न के, मैं भी कुछ नेताओं की तरह वहां विरोध करूंगा। कांग्रेस की सरकार होती है तो भाजपा विरोध करती है, भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस विरोध करती है, कांग्रेस की सरकार होती है तो आम आदमी पार्टी विरोध करती है। हमें सॉल्यूशन की राजनीति चाहिए और इसी सॉल्यूशन के साथ तो देश प्रदेश में पूरे प्रदेश के देश के हर राज्य में घूमने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस दिन मेरे पास सॉल्यूशन होगा उस दिन 100% राजनीति में आऊंगा। मैंने कभी ये भी नहीं किया कि नहीं नहीं मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, और जब जब मैंने ये कहा कि नहीं नहीं मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ तो लोग कहते हैं तुम राजनीति करते हो, तो अब तो 100% हमें यही कहते कि समाज सेवा के साथ हमें राजनीति करनी है। दूसरा प्रश्न कि आपने कहा यशवंत सिन्हा जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी से आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई? देखो हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कई बार शत्रुघ्न सिन्हा की जो बात होती है, यशवंत सिन्हा की जो बात होती है मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आप सत्ता के हिस्सेदार हो फिर भी आप सत्ता के खिलाफ अपने सच मुद्दे और सत्य की बात करते हो, वो बड़े सही बात है। और उन्होंने जो अभी राष्ट्र मंच करके एक संगठन भी बनाया है, मुझे भी लास्ट टाइम इनविटेशन मिला था दिल्ली के लिए, मैं नहीं जा पाया था, लेकिन अगली बार 100% जाऊंगा। और अच्छा काम देश के अगर कुछ मुद्दों के साथ होता है तो बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं गीता भी पढ़ता हूँ, मैं राम को भी मानता हूँ, मैं माताजियों को भी मानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा हिंदू नहीं हूँ कि हिंदू के नाम पर या मुसलमान के नाम पर किसी निर्दोषों की हत्या की जाए। मैं हिंदू हूँ लेकिन ऐसा भी हिंदू नहीं जहाँ पर गाय के नाम पर किसी की कत्लेआम की जाए। मैं हिंदुत्व के नाम पर किसी की हत्या या किसी का विरोध नहीं कर सकता। अगर मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने पर मुझे फख्र है, गर्व है, तो किसी को मुसलमान होने पर गर्व होना चाहिए। लेकिन मेरा मकसद इतना है कि हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई सब साथ मिलकर अगर कुछ अच्छा करेंगे तो इस देश का अच्छा होगा। जब चौथी क्लास में पढ़ते हैं तब हमें सिखाया जाता है तो हिंदू तो मुसलमान तो सिख तो ईसाई हम सब भाई भाई है, और जब कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो कहता है तो हार्दिक मतलब हिंदू, तो अब्दुल मतलब मुसलमान, तो जोसेफ मतलब क्रिश्चियन। तो इसी स्थिति को तो हम लोगों को बदलना है ना। पुरानी पीढ़ी ने जो किया अगर वही हम दोहराते चले जाएंगे तो नया भारत नहीं बन पाएगा। और बात रही मध्य प्रदेश के अंदर आपका क्या रोल है, हम कहाँ जाएंगे? देखो सर जब भी कोई अन्नदाता किसानी करता है तो वो अन्नदाता रहता है, लेकिन जब वो आंदोलन करना शुरू कर दे तो वो कांग्रेसी हो जाता है। जब कोई यूथ
लड़ाई लड़ता है खुद की, तो देश का मजबूत युद्ध कहा जाता है। अगर वो किसी पार्टी के साथ खड़ा हो गया तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। बस हमें यही तो बदलना है। अगर यहाँ पर सरकार भाजपा की है और भाजपा के सामने अगर हम लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम विपक्ष के सहयोगी हैं। अगर सरकार ने कुछ अच्छा किया होता तो हम भी ऐसा चाहते कि हम भी सरकार के साथ समांतर खड़ा रहे। अगर यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती और उनको लगता है कि हार्दिक कांग्रेस का एजेंट है तो मैं कांग्रेस का एजेंट हूं। अगर सरकार यहाँ पर प्रश्नों का हल कर सकती है तो हमें विपक्ष में जाने की जरूरत नहीं है। सर आप बताइए, किसान ने कितने सालों के बाद आंदोलन शुरू किया? 15 साल यहाँ पर शिवराज सिंह की गवर्नमेंट है। मंचूर गोलीकांड जो हुआ, मंचूर आंदोलन हुआ, वो 15 साल में एक दूसरी बार हुआ होगा, शायद पहली बार हुआ होगा आंदोलन, उससे पहले तो नहीं किया। किसानों को लगा कि 15 साल हमने इनको दिए, कुछ नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया है। और इसीलिए मैं स्पष्ट कहता हूं, विपक्ष के साथ, अगर विपक्ष कुछ सॉल्यूशन के साथ खड़ा है जनता के साथ तो मैं विपक्ष का साथी हूं। अगर चुनाव से पहले पहले किसानों की फसल की आय दुगनी हो जाए और किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी हो जाए कृषि से साथ जुड़े हुए हर संबंध में, तो मैं सत्ता के साथ खड़ा हूं। मेरा मकसद है जो जनता पर, जनता के हितों की बात करता है वही हम पर राज करेगा और उसी के हम समर्थक हैं। देखो अगर मेरे पास स्ट्रेटजी प्लानर कोई होता तो मैं 100% गुजरात के अंदर 99 वालों को 69 पर पहुंचा दिया होता। हमारे पास स्ट्रेटजी प्लानर कोई नहीं, जो भी होता है वो लोग करते हैं। मतलब ये जो हमने प्लान किया ना, आप पहली बार ऐसा सोचेंगे हमने प्लान नहीं किया कि हम यहाँ से यहाँ यात्रा निकालेंगे। ये प्लान करने वाले भी मालवा निमाड़ के किसान लोग हैं कि भाई तुम लोग यहाँ से यात्रा निकालो, यहाँ पर किसान ज्यादा रहते। हमने लास्ट में क्यों भोपाल इंदौर चुना? क्योंकि यहाँ युद्ध की, युद्ध चाहता है कि यहाँ पर युद्ध की एक बड़ी जनसभा हो, युद्ध के साथ साथ आसपास के गांवों के किसान आए। हम किसी टारगेट के साथ नहीं चलते कि इसको ये करना है, हम नीति के साथ चलते हैं। टारगेट के साथ वो चलता है जिसको सत्ता हासिल करनी हो, और जिसको व्यवस्था को बदलना चाहते हैं वो नीतियों के साथ चलते हैं। हमें नीति है हमारे पास, और मेरे पास ना सत्ता है, ना पैसा है, ना प्रशासन है, ना पुलिस। हमारे पास उसे सिद्धांत है ना, नीति है, हमारे पास ध्येय है कि बस ये काम हमें पूरा करना है। और जो यात्रा और जो सभा का प्लानिंग हुआ है वो हर एक तहसील के किसान जो संगठन चलते, किसान यूनियन हो, किसान क्रांति सेना हो, कोई युवाओं का संगठन, उन लोगों ने सब प्लानिंग किया है और उन्हीं के हिसाब से हम पूरी यात्रा भी निकालेंगे और सभा भी करेंगे। और दूसरी बात, भोपाल की जो सभा होगी, भोपाल या इंदौर की अभी तय नहीं किया, जो बड़ी सभा होगी वो मध्य प्रदेश के अंदर एक नया इतिहास सृजन करेगी। जो मध्य प्रदेश के अंदर आज तक किसी ने सभा नहीं की होगी, जैसे हमने गुजरात में की थी जीएमडीसी के अंदर 15-20 लाख लोगों की, इतनी बड़ी दुनिया नहीं हो पाएगी। लेकिन हमारा टारगेट है 2-3 लाख पूरी तरह से यूथ, जो यूथ चाहता है कि 100 में से 99 बेईमानों को हटाकर 100 में से 100 ईमानदार बनाकर मेरा भारत महान बनाना है। बस ऐसे मजबूत युवाओं को हम बुलाएंगे जिसमें भाजपा हो या कांग्रेस हो, जिस पार्टी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, सबको बुलाने का हम एक मकसद रखेंगे कि आओ सब आकर। क्योंकि हमने लास्ट में भी गुजरात में पंचायत का आयोजन किया था जिसमें भाजपा कांग्रेस के दोनों पार्टी के विधायकों को हमने बुलाया था कि भाई आओ, अगर तुम चाहते हो कि हमारा प्रदेश अच्छा बने, किसानों की बात हो, आकर खड़े हो जाओ समाज के बीच में। तो आपको बड़े ताजुब होगा कि एक भी भाजपा का नेता नहीं आया, कांग्रेस की पूरी एमएलए टीम आ गई। तो हमें यही तो बदलना है कि जब देश की बात हो तो साथ खड़े हो, चाहे वो कांग्रेस विरोध में हो तो कांग्रेस को भी साथ आना चाहिए। बस इसी मकसद के साथ हम मध्य प्रदेश में भी दौड़ेंगे, पूरे देश में दौड़ेंगे। मध्य प्रदेश में जो आपके साथ में